इस वीडियो में बात करेंगे IRCTC के बारे में, जहाँ पे आप देखेंगे आज के दिन स्टॉक में कह सकते हो यहाँ पे आधे परसेंट के आसपास जो है गिरावट देखने को मिला, 0.56% का गिरावट आप देखेंगे यहाँ पे 886 पे क्लोजिंग जो भी देखने को मिला। प्रीवियस क्लोज क्या था यहाँ पे आप देखेंगे, प्रीवियस क्लोज 891 का प्रीवियस क्लोज था, वहीं पे ओपन कितना पे हुआ 895 पे, हाई लगाया 903 का आप देखेंगे यहाँ पे, और लो यहाँ पे 866, क्लोजिंग 886 पे दिया जो कि उससे काफ़ी नीचे का कह सकते हो लो लगाया हुआ है। मार्केट क्लोज होने के बाद भी कुछ इतना मतलब कह सकते हो बाई साइड में लगा हुआ है क्वांटिटी, 2145 क्वांटिटी आप देखेंगे, 2145 क्वांटिटी बाई साइड में लगा हुआ है मार्केट क्लोज होने के बाद भी। बात करेंगे यहाँ पे पोजीशन का, जो भी डिलीवरी पोजीशन क्वांटिटी ट्रेड कितना हुआ है, 52,42,381 क्वांटिटी ट्रेड हुआ है, जिसमें से डिलीवरेबल क्वांटिटी है 10,56,708 परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी टू ट्रेडेड क्वांटिटी, 20% से ऊपर का कह सकते हो डिलीवरेबल क्वांटिटी ट्रेड होते हुए दिख रहा है। जैसे कि आपको पता है 12% के आसपास जो हमें देखने को मिला था डिलीवरेबल क्वांटिटी, उसके बाद यहाँ पे इंट्राडे के मतलब यहाँ पे कह सकते हो FNO बैन कर दिया गया था, फिर बात करेंगे यहाँ पे शेयर में FNO जो है बैन कर दिया गया था, उसके बाद जो है यहाँ पे 15% के आसपास हुआ डिलीवरी परसेंट, उसके बाद 20% हुआ, उसके बाद 25% के आसपास हुआ, फिर से अभी 20% आप देख सकते हो हमें डिलीवरी परसेंटेज जो है देखने में मिल रहा है, थोड़ा माइनस मतलब कह सकते हो थोड़ा डाउन हुआ है डिलीवरी परसेंटेज। फिलहाल 52,42,381 क्वांटिटी ट्रेड हुआ है, इसमें से 10,56,708 जो है डिलीवरेबल क्वांटिटी है, जो कि 20% से भी ऊपर आता है। काफ़ी सारे मार्केट में ऐसे भी स्टॉक है जहाँ पे 25, 30, 40, 45, 50 मतलब कह सकते हो ऐसे परसेंटेज में देखने में मिल रहा है डिलीवरेबल क्वांटिटी, और काफ़ी हाई क्वांटिटी मतलब उठाया जा रहा है, बट यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो उतना डिलीवरेबल क्वांटिटी नहीं, मतलब फिर भी अगर देखा जाए तो एवरेज अभी चल रहा है। फिर भी अगर हम बात करें, फिलहाल बात कर लेते हैं अगले ट्रेडिंग सेशन के लिए लेवल्स क्या बन रहा है उसके ऊपर, वीडियो को पढ़ा लास्ट तक आप देखते रहिए। इंडेक्सेस की अगर हम बात करेंगे आज के दिन कह सकते हो बैंक निफ्टी में यहाँ पे 0.98% का गिरावट देखने को मिला, जो कि प्रीवियस क्लोज के नीचे ओपन हुआ और फिर नीचे गया जाता गया, 11 बजे तक गिरावट बड़ा वाला हो गया था, उसके बाद थोड़ा थोड़ा कह सकते हो हमें देखने को मिला एक रेंज में ट्रेड किया साइडवेज ट्रेंड में, लास्ट में थोड़ा एक बड़ा गिरावट हुआ और उसके बाद क्लोजिंग हुआ जो कि 0.98% के गिरावट में। बात करेंगे निफ्टी 50 का, जो कि यहाँ देखेंगे 0.35% का गिरावट में ये भी क्लोज हमें देखने को मिला है। निफ्टी 50 गैप अप ओपनिंग हुआ यहाँ पे, बट डाउन गया, फिर थोड़ा ऊपर का जाने की कोशिश किया, फिर डाउन गया, और फिर कह सकते हो एक यहाँ पे 11 बजे के बाद यहाँ पे रिकवरी स्टार्ट हुआ, देखेंगे लगभग थोड़ा थोड़ा करके रिकवरी स्टार्ट हुआ, बट फिर भी लास्ट में उतना बड़ा रिकवरी हमें देखने को नहीं मिला, और उतना ही मतलब कह सकते हो गिरावट में ही क्लोज हुआ 0.35% के गिरावट में। 11 बजे के बाद जो है यहाँ पर रिकवरी स्टार्ट हो गया था लगभग आप देखेंगे यहाँ पे, और उसके बाद लास्ट तक कुछ इतना रिकवर किया 0.43%, और वहीं पर अगर हम बात करेंगे तो ओवरऑल गिरावट जो है 0.35% का देखने में मिला है। फिलहाल बात कर लेते हैं और भी कुछ इन्फॉर्मेशन, बात करेंगे लेवल्स क्या बन रहे हैं, यानी अगर आपको गिरावट देखने में मिलता है तो कुछ लेवल पे आप ध्यान दीजिएगा IRCTC शेयर में। सबसे पहला जो लेवल रहेगा डाउन साइड में, यानी अगर आपको गिरावट देखने में मिलता है सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कुछ 881 के लेवल पे, एक छोटा सा लेवल है आप ध्यान दे सकते हो इस पे। और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट लेवल की दोस्तों अगर हम बात करेंगे जो कि कुछ इतना का लेवल रहेगा आप देखेंगे यहाँ पे ये वाला लेवल जो कि है 866 का लेवल, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल है जो डाउन साइड में आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पहले काफ़ी अच्छा सपोर्ट यहाँ पर निकल के आ रहा है देखेंगे आप, और ये दो लेवल डाउन साइड में आप ध्यान दीजिएगा अगर आपको गिरावट देखने में मिलता है तो। वहीं पे अगर आपको तेज़ी देखने में मिलता है तो कुछ लेवल पे आप ध्यान दे सकते हो उसके बारे में। अगर हम बात करें सबसे पहला लेवल की अगर हम बात करेंगे जो कि कुछ इतना का लेवल रहेगा आप देखेंगे यहाँ पे 903 का सेकेंड लेवल रहेगा, उसके पहले एक लेवल रहेगा कुछ इतना का आप देखेंगे यहाँ पे 891 का। तो ये कुछ लेवल्स है दो अपसाइड में और ये दो डाउन साइड में जो कि आप ध्यान दीजिएगा अगले ट्रेडिंग सेशन में अगर आपको गिरावट देखने मिलता है डाउन साइड में, अगर आपको तेज़ी देखने मिलता है अपसाइड में, तो ये कुछ लेवल्स है जो कि आप ध्यान दे सकते हो। बाकी मैंने ऑलरेडी बता दिया आज के ट्रेडिंग सेशन में क्या भी अभी देखने मिला, कितना परसेंट का बैंक जो भी कह सकते हो हमें देखने मिला। आज के लिए कुछ इतना ही, वीडियो में कोई बाई सेल या फिर होल्ड की सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के है, फाइनल डिसीजन तो आपका ही होना चाहिए। और बहुत जल्द एक वीडियो आ रहा है हमारे चैनल पर IRCTC के ऊपर जो कि काफ़ी अच्छा न्यूज़ के ऊपर, वीडियो को पूरा आप लास्ट तक देखिएगा उसको, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए ताकि वो वीडियो आपको जल्द से जल्द मतलब उसका नोटिफिकेशन चला जाए जब मैं अपलोड करूँ वीडियो को। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़।